हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देख रहे अग्रसर में सोनिया सतानी, आप सबका घना स्वागत करूं सुमारे खास हरियाणा में बुलेटिन चौगरदा के। हरियाणा में चौगरदा की खबर की शुरुआत करेंगे इस टाइम की बड़ी अहम खबर की। गेला बड़ी खबर बता दें जो कि चंडीगढ़ तशामी आ रही है। अमरीका तो प्रदेश आनाया की जांच करी जाएगी और इसकी गेलिया सारे लोगों की कबूतरबाजी की भी जांच खातर एसआईटी का गठन करा गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करा गया है। और आईजी करनाल भारतीय अरोड़ा की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई है। इसकी गेला बता दें कि 6 आईपीएस अधिकारी एसआईटी के सदस्य होंगे। तब बड़ी खबर तमाम दर्शक आता यहां पहुंचाने लाग रहे हैं। एसआईटी कबूतरबाजी के सारे मामले की गहनता तो जांच करेगी और किसके घपले होने लाग रहे हैं, क्यों कर ये मामले होने लाग रहे हैं, विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा करेगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और 19 मई ने अमरीका तक प्रदेश में 73 लोग आए थे जिनकी जानकारी जुटाने की कोशिश करी जा रही है। पुलिस ने 73 लोगों पर भी FIR दर्ज करी है। तब बड़ी अहम खबर जो कि इस टाइम चंडीगढ़ तशामी आने लाग रही है, आज अमेरिका तक भी आ रहे से 135 भारतीय है। तो देखो आपने बड़ी खबर जो कि चंडीगढ़ तशामी आने लाग रही है, बताने लाग रहे था 135 लोगों में 75 लोग तो हरियाणा है तस है। इसकी गेलिया अमेरिका तक जो प्रदेश में आन लाग रहे हैं उनकी जांच करी जाएगी। जांच करने तक एसआईटी का गठन करा गया है। सारे लोगों की कबूतरबाजी की जांच खातर एसआईटी का गठन करा गया है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करा गया था। आईजी करनाल भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई है। 6 आईपीएस अधिकारी भी इस एसआईटी के सदस्य होंगे और सारे रल मिलकर जांच करेंगे तमाम जो घपले हुए हैं और किस तरह से ये उड़े गए सर, क्यों कराए से। एसआईटी कबूतरबाजी के सारे मामले की गहनता से जांच पड़ताल करेगी, विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़े का भी खुलासा करेगी। उन्नीस मई को अमेरिका से डिपोर्ट होकर 73 लोग आए थे। मैंने डिपार्टमेंट को कहा था कि इनकी सारों की जांच की जाए कि किन केसों में और कैसे ये अमेरिका में गए, तो उसके आधार पर हमने 73 FIR दर्ज की थी। और आज फिर लगभग 135 भारतीय डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, जिसमें 75 हरियाणा के हैं। ऐसे और देशों से भी आने हो सकते हैं और जब उनकी दास्तान सुनी तो बहुत ही अमानवीय तरीके से, नाजायज तरीके से और जिंदगी को जोखिम में डालते हुए जो विदेश भेजने के नाम पर कबूतरबाजी करते हैं, उन्होंने इनके साथ खेल खेला हुआ था। और विदेश भेजने के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा काफी लंबे समय से हो रहा है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इन तमाम मामलों की जांच करने के लिए या प्रदेश में जो और जिन मामलों की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनकी गहनता से जांच करने के लिए और दोषियों को सजा दिलाने के लिए और कबूतरबाजी का ये धंधा जो अवैध रूप से पनप रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, हमें जानकारी मिल रही है कि अब जो लोग अमेरिका से भारत आए हैं और उनके लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जांच पड़ताल की जाएगी, किस तरीके से पूरी घपलेबाजी हुई है, कबूतरबाजी, क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, ये समय आपको ये जानकारी दे दूं और करेक्ट कर दूं, क्योंकि ये जो लोग आए हैं अमेरिका से और 73 लोग पहले आए हैं, रिपोर्ट किया गया है ये इलीगल साधनों से, अवैध जो साधनों से यूएस गए थे और एजेंटों के चंगुल में आकर अमेरिका गए थे, एजेंटों के चंगुल में आकर अवैध तरह से किसी भी देश में भेजना,
इसे तौर पर कबूतरबाजी कहा जाता है और इसको लेकर 70 लोग आए हैं जिन्होंने अपनी व्यथा जो है बताई है। पीके अग्रवाल जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पहले मामला देख रहे थे, तो सभी ने अपनी व्यथा बताई है कि किस तरह से इन्हें कहीं कहीं लाख रुपए इनसे लेकर जो है इन्हें अमेरिका अलग अलग देशों से होते हुए ले जाया गया, अमानवीय यातनाएं या अमानवीय जो तरीके से इन्हें वहां पहुंचाया गया। इस सब को देखते हुए जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने 6 आईपीएस अधिकारियों पर आधारित एक जो है एसआईटी का गठन किया। ये इसकी अध्यक्षता जो है आईजी करनाल भारतीय बड़ौड़ा करेंगी और इसके अलावा जो आईपीएस इसमें है उनमें नाजमीन, राहुल शर्मा, हिमांशु, मोहित ढांडा और शशांक सावन ये अन्य आईपीएस अधिकारी हैं जो इन कबूतरबाजी के मामलों की राज्य में इलीगल ढंग से जो लोगों से, क्योंकि जो विदेश जाने के चाहवान हैं वो अपने चक्कर में अपने पैसे जो देकर जाते हैं, तो उन मामलों के जो जांच के लिए ये एसआईटी का गठन किया है। 70 एफआईआर जो अमेरिका से लोग आए हैं उनकी शिकायत पर दर्ज हुई, 75 जो आज फिर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। 75 में अमेरिका से लोग आएंगे ये भी देखना होगा। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों का भी ऐसा ही बैकग्राउंड था और ऐसी शिकायत रही तो इन मामलों में भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अनिल विज ने साफ कहा कि यदि कोई भी मामला है, कोई भी अगर इस कबूतरबाजी का शिकार हुआ है वो इस एसआईटी के सामने जाकर शिकायत दे सकता है, उनके मामलों की सुनवाई होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरह से बड़ी खबर बता रहे हैं कि जो अमेरिका इलीगल तरीके से भेजे गए थे उन पर एसआईटी का गठन करा गया है, पूरे मामले की गहनता तक जांच करी जाएगी। क्यूकर ये इलीगल तरीके से उड़े भेजे गए हैं, क्यूकर ये रिपोर्ट करे गए हैं, तो देखो 73 जो लोग से उन पर एफआईआर भी कर ली गई है। जो अमेरिका से प्रदेश आए से उनकी जो तमाम व्यथा है वो गृहमंत्री अनिल विज तक पहुंची, जिस पर उन्होंने कहा है कि एसआईटी का गठन कराया जाएगा और इस मामले की गहनता तक तय तई जांच करी जाएगी, जड़ता ही जांच करी जाएगी। तो चलो रुक कर ला इस टाइम की एक और बड़ी अहम खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपने बता दिया जिसमें हम प्रदेश के कोरोना के आंकड़े बताने लग रहे हैं। 2462 मामला की पुष्टि प्रदेश भर में हुई है। आज कोरोना के 106 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या 2462 होगी से। इसकी गेला नु बता दें कि 1052 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। और न्यू भी बता दें कि 1382 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। और गुरुग्राम में 673 एक्टिव केस हैं। इसकी गेलिया एक्टिव केसा की जानकारी आपने दे दिया। फरीदाबाद में 216 एक्टिव केस हैं। बात सोनीपत की करा तो सोनीपत में 84 एक्टिव केस हैं। इसकी गेलिया जज्जर की बात करा तो जज्जर में भी 9 एक्टिव केस हैं। तो सारे जिला के एक्टिव केस आपने बताने लग रहे साहब। स्थिति गणी गंभीर मानी जा, चिंताजनक या स्थिति मानी जाए, तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और एक्टिव केस आप देख कर नू में भी देखो 7 एक्टिव केस है, यानी जड़ते हैं शून्य आंकड़े आए थे। देखो उड़े भी एक्टिव केसा की जो संख्या लगातार बढ़ने लग रही है। भिवाणी में 38 एक्टिव केस शामी आए हैं। रोहतक का जिक्र करा तो रोहतक में 33 एक्टिव केस शामी आए हैं। इसकी गेलिया नारनौल का जिक्र करा तो 21 एक्टिव केस है, क्योंकि आप देखो नारनौल तो ऐसा इलाका था जड़े कोरोना के आंकड़े नगण्य थे, लेकिन देखो अड़े भी आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। कुरुक्षेत्र में 22 एक्टिव केस शामी आए से, तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और प्रदेश में कोरोना के 2462 मामला की पुष्टि हुई है और कोरोना मरीजों की संख्या 2462 होगी है। आज की बात करा तो 106 नए केस आज में शामी आए से, तो देखो 1052 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए से, 1382 एक्टिव मरीजों का इलाज फिलहाल जारी है। और जुकर हम बात करना प्रदेश की, तो आंकड़े क्यूकर बढ़ने लग रहे से, 1382 एक्टिव मरीजों का इलाज फिलहाल जारी है। गुरुग्राम में 673 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। और इसकी गिल्ला फरीदाबाद का जिक्र करा तो फरीदाबाद में भी 216 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं।
हरियाणा के सीमन उड़लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बातों का जिक्र कराया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यू भी कहा कि कोरोना काल के चलते उद्योगपति लगातार दुखे होने लग रहे हैं और इससे की गला जो छोटे उद्योग हैं वो उन्हें खोलने की बात कही और यू भी कहा कि उद्योगों ने जो भी परेशानी होगी वह तावड़िए दूर करी जाएगी और प्रदेश में कोई मानस भूखा नहीं सोन दिया जाएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी की उपलब्धि भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाया, केंद्र की कई योजना प्रदेश में भी लागू करी गई। सोनीपत में शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि मन्नत दाल में की मैं काला लागे से। उनके इस बयान पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी से। उन्होंने कहा कि जब नजर कमजोर हो जाता आंखें का आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आवस है। जांच कमेटी या पूरी गहराई तक जाएगी, सबकी में बेनकाब करेगी। विज ने कहा कि यह शराब घोटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रास्ते चलता आ रहा है और जांच कमेटी जब ती गहराई में नहीं जाएगी जब ती में जांच करते रहेंगे। तो वहीं किसानों के मुद्दे ने लेकर सिरसा में धरने पर बैठे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने लेकर अनिल विज ने कहा कि अभय चौटाला ने पूरा अधिकार से किसानों की बात ठान का, लेकिन उन्हें इस बात ने भी समझना चाहिए कि एमएचए ने किसी भी राजनीतिक गतिविधि की कोई अनुमति नहीं दी से। वे एक समझदार विधायक से यह बात उन्हें समझनी चाहिए। जब आई साइड कमजोर हो जाए तो आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। इनको अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। जांच कमेटी पूरी गहराई तक जाएगी और सब कुछ बेनकाब करेगी और ये जो शराब घोटाला है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज से ही चल रहा है और तब तक की भी गहराई में ये जाएगी। अभय चौटाला को पूरा अधिकार है किसानों की बात उठाने का, परंतु एमएचए ने अभी राजनीतिक गतिविधियां करने की इजाजत नहीं दी है और वो समझदार एमएलए हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि अभी इजाजत नहीं दी है किसी राजनीतिक, किसी धार्मिक, किसी सामाजिक गतिविधियों को चलाने की इजाजत नहीं दी है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ विधानसभा में जो पंजाब के रूम है उन्हें लेने खातर चंडीगढ़ के प्रशासक तक ज्ञापन सौंपा है। मेमोरेंडम में बताया गया है कि 13% स्थान इब्बी पंजाब विधानसभा के कब्जे में है जो पंजाब के स्पीकर के पी राणा ने देने से इनकार कर दिया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच किसान लगातार दुखी और परेशान होते नजर आने लग रहे थे। इस बीच विपक्ष ने भी किसानों का सहारा मिल गया और कई मुद्दे विपक्ष के धुरे भी आ गए। इससे कड़ी में सिरसा में किसानों के मुद्दा ने लेकर इनेलो के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कराया। इस दौरान इनेलो कार्यकर्ता ने भी भाग लिया, तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हुए धरना प्रदर्शन के मौके पर इनेलो ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। धरना प्रदर्शन के दौरान अभय चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के भुगतान के गलत आंकड़े पेश करके किसानों के भुगतान का दावा करने लग रही है, जबकि ई बताई सिर्फ किसानों तई 10% भुगतान सरकार की ओर तक रह गया है। सरकार तो कहती है कि हमने 90% पैसा दे दिया, लेकिन 90% पैसा अगर दे दिया तो फिर वो किसान के खाते में क्यों नहीं आया, कहाँ है? किसान को अब तक केवल 1600 करोड़ की पेमेंट उसके खाते में गई है जो केवल 10% बनती है। बाकी पैसा आज भी सरकार ने अपने चहते लोगों के माध्यम से प्राइवेट बैंकों में रखा हुआ है। केवल उस पैसे का कैसे कमीशन खाया जाए 17,000 करोड़ का, उसके लिए एक महीने से किसान को परेशान कर रखा है। मांग करूंगा कि जल्दी से जल्दी किसान की पेमेंट उसके खाते में जाए और जो लूट मची है, जो सुविधा शुल्क के नाम पे 700 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जा रहा है, 800 करोड़ रुपया, उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। बिना सरकार के कभी कोई घोटाले हुए आज तक?
ये कैसे हो सकता है? बिना सरकार की जानकारी के बिना कोई भी घोटाला नहीं हो सकता। सरकार ही घोटाला कराती है, घोटालों की ही सरकार है। इसने कोरोना की आड़ में प्रदेश में बहुत बड़ा माफिया खड़ा कर लिया, चाहे वो शराब का माफिया है, चाहे वो आज आपके सरसों का माफिया है, चाहे ये जो सुविधा शुल्क के नाम के ऊपर एक माफिया और तैयार कर दिया इन्होंने, जो 800 करोड़ रुपया खाने का काम कर रहे हैं। अनुन रतिया के मॉडल टाउन में बारिश का पानी बढ़ते ही सड़का पर पानी खड़ा हो जाता है, जिससे लोग घने परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों का तनु कहना सा कि आड़ा पानी की निकासी ना होने के कारण पानी सड़का पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण उन्हें आन जान की गेला कई गंभीर बीमारियां के फैलने का खतरा रहा वैसे, और बारिश का पानी इकट्ठा होने की गेला गेला बिजली के खंभे में भी करंट आ जाता है, जिसके कारण आड़े गांव की भी मौत होगी। लोगों का न्यू कहना सा कि कई बार शिकायत दे दी लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हमारी गली में सारा सीवरेज का पानी भी भर गया और बारिश का पानी भर गया, और खंभों में भी करंट आ रहा है, और बच्चों को भी करंट लगने का इससे डर है, और बीमारियां भी फैल रही हैं उधर से, कोरोना है, डेंगू, मलेरिया, इसकी वजह से सब बीमारियां यहाँ फैल सकती हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये काम जल्दी से जल्दी किया जाए और हमारी सुनवाई की जाए। जरा सी बारिश की वजह से हमारा ये मॉडल टाउन समस्याओं से घिर चुका है। थोड़ी सी बारिश आई, सारे सीवरेज ओवरफ्लो हो चुके हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सड़क का कार्य रुका हुआ है, इधर सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, और थोड़े से ही पानी की वजह से पार्क के साथ वाली ग्रिल पे करंट आया हुआ है, जिससे बहुत ही भय का माहौल बना हुआ है। इसका बताया जाता है कि टेंडर पास हो चुका है, बट ये वाले पोर्शन को छोड़कर आगे से रोड बना दी गई है, जिसकी वजह से सारा जो पानी है बारिश का वो यहाँ इकट्ठा हुआ। बारिश के पानी के साथ साथ यहाँ पे सीवेज का पानी भी ओवरफ्लो हो गया है। 3-4 दिन हो गए हैं यहाँ पे सर, बदबू, मच्छर और बीमारियाँ तो आएंगी आएंगी सर। सीएम विंडो पे हमने सीएमओ को ट्वीट किया, सीएमओ की तरफ से रिप्लाई आया, उन्होंने नंबर मांगा, बट उसका कोई हल अभी तक नहीं हुआ है। इबे मौसम परिवर्तन होने लाग रहा है, चौगरदा मी भी बरसन लाग रहा है, तो कई जगह मी इसी डाला बरसा है कि ओड़े सड़क पर पानी पानी हो गया है। इसी खबर रोहतक इंद्रगढ़ गांव तक शामी आड़ी से, जिड़ा आंगनवाड़ी में बारिश के कारण जल भराव हो गया, जिसके कारण आंगनवाड़ी भवन में दरार आ गई। बारिश के दौरान आंगनवाड़ी भवन में बारिश की गेला गेला गंदा पानी भी घुस रहा है, जिसके कारण आंगनवाड़ी वर्कर परेशान हो रहे हैं। गांव के युवा हरियम कौशिक का न्यू कहना है कि पंचायत ने सड़क बनाई थी, जिसके बाद पानी की निकासी का रास्ता रुक गया, गांव के घरा में गंदा पानी और बारिश का पानी लगातार आंगनवाड़ी भवन में जान लग रहा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग ने घनी क्षति पहुंची है। तो वहीं दूसरी ओर आंगनवाड़ी में काम करने वाली कृष्णा नाम की महिला का न्यू कहना है, एक आड़त है जो पानी से वो अक्सर भीतर बढ़ता रहे है, और इसके कारण इस भवन ने घना नुकसान पहुंचने लग रहा है, जो आने वाले टाइम में किसी भी बड़े हादसे का रूप ले सके है। हमारे गांव की आज इंद्रगढ़ की जो आंगनवाड़ी है, बारिश की वजह से जो गंदे नाले का पानी है वो सारा इस आंगनवाड़ी में भर चुका है, अंदर भी बुरी हालत है, और ये जो लैट्रिन का सीवर है ये भी बुरी तरह से खराब है, जिससे जो हमारे बच्चे हैं, जो इनका फ्यूचर है, स्टार्टिंग में बच्चों के आंगनवाड़ी से शुरुआत की जाती है, उनका भविष्य खतरे में है। यहाँ पर डेंगू होने का भी खतरा है, क्योंकि सारा गंदा पानी आंगनवाड़ी में एकत्रित हो